में तेज लहरों के बीच घाघरा तबाही मचाने को बेताब नजर आ रही है। लोग अपने हाथों से आशियाना उजाड़ कर घर से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। 500 घरों वाला गांव भोजपुरवा में अब तक 400 घर घाघरा में विलीन हो चुके हैं, जिसे लेकर ग्रामीण डर के साए में पल पल जी रहे हैं। बता दें कि तेज कटान की ये तस्वीरें तो दूसरी तरफ अपने खून पसीने से मजदूरी कर बनाए गए अपने आशियानों को तोड़ती हुई ये तस्वीरें मनियर के भोजपुरवा गांव की हैं। गाँव वालों की माने तो ग्रामीण डर के साए में रात गुजार रहे हैं, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहां पर नहीं आया है। ये बाढ़ के कगार में आ गया, इसलिए तोड़ रहे हैं, क्या करेंगे दूसरा भाई, कोई चारा नहीं है। कटान हो रहा है, कटान तो इतना फास्ट है ना, दिन भर में नहीं हो तो कम से कम 10-20 लाठी गिरा देता है। इतना फास्ट पूरा नदी को बगल रहा। कितने लोग अपना घरों छोड़ रहे हैं यहाँ से? यहाँ से बहुत लोग छोड़ दिए हैं, कम से कम 20-25 घर गिर गया है, छोड़ दिए हैं। बहुत लोग इधर पड़े हैं, तोड़ रहे हैं, सब अपने अपने में लगे हैं। और नहीं कोई नेता, नहीं कोई प्रेता, नहीं कोई लेखपाल, नहीं यहाँ का SDM और नहीं यहाँ का सिक्योरिटी, कोई भी सुनवाई नहीं, पता ही नहीं एक आदमी कहाँ है कहाँ नहीं। ये कटान कम से कम 15-20 दिन से चालू हुए है। ये है कि ढाही आ गया घाघरा नदी में, घर जा रहा है इसलिए तोड़ रहे हैं। कब से आया है? ये तो ढाई हो गया, 10-15 से ढाई तो आया है, 1 साल से। तो उधर गांव था पहले, 200-300 गांव था, अब हमारा गांव तो आया है, तो जो 4-5 दिन से गांव के लगे पास में आ गए हैं, तो हम लोग अपना सामान वामान हटा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अरे लग तो रहा है, बहुत डर लग रहा है, इतना ढा रहा है जोर जोर से, तो हम लोग रात भर सोइए नहीं रहे हैं, दिन भर जागते हैं, रात भर जागते हैं, देख रहे हैं कि आँख पूरा लाल हो गया है। बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति, कटान ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा कटान है। अभी कितनों घरों को कटान निकल गया? बहुत घर निकल गया है कटान में, बहुत ज्यादा। कितना? अरे अब तो गणले नहीं जा कितना, बहुत ज्यादा कट गिल घर। अभी जो बच्चे घर है उन लोग के डर लग रहा है? हाँ, बहुत डर लग रहा है, बाकी एकदम निशाना में बा।